नमस्कार यूट्यूब चैनल देखने वालों को, मास्टर माइंड ट्रिपल एस में स्वागत है आपको। तो आज मैं आपको ड्रिल मशीन के बारे में बताऊंगा, ड्रिल मशीन के बारे में बताऊंगा, जो कि ड्रिल मशीन क्या होता है, ड्रिल मशीन न काम किया जाए तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ड्रिल मशीन करने से क्या लाभ होगा। तो पहली बात तो बताता हूं, ड्रिल मशीन क्यों प्रयोग किया। जैसे कि हम जो भी काम करते हैं तो पहले हर चीज़ छेदने से, जोड़ने से, बुनने से काम होता है। तो इसको हम कोई छेदने के लिए, होल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये लोहे का राड हुआ, पेशकश हुआ नुकीला, पोकर हुआ, और भी घर के सामान जो है, इस निडिल हुआ, तो इसके सामान प्रयोग करते हैं। पर बिना, अगर ना किया जाए तो बिना हर काम अधूरा रहेगा। ये टेलर होता है, सुई सुई चलने के बाद होता है, खून निकालने के लिए सुई को निडिल प्रयोग करते हैं ना, छेदते हैं। परंतु हम कोई हार्ड चीज से, लकड़ी, लोहा, पत्थर, प्लास्टिक आदि, इसमें ये ध्यान रखें कि इसको करने के लिए छोटा छोटा सामान होते हैं, जैसे कागज हुआ, अन्य प्रकार होते हैं, उस छोटे के थोड़ा सा करने के लिए तो हम हाथ का प्रयोग कर रहे हैं छोटे छोटे सामान पर। जहाँ ज़्यादा होल करना, बड़े बड़े पाइप में जैसे नल में लगाए जाते हैं उसमें हजार कई संख्या में होल होते हैं, पर होल एक हाथ नहीं होते हैं। तो उसको होल करने के लिए कोई ना कोई साधन अपनाया जाता है, सब अपनाया जाता ही है। परंतु इस चीज़ का ध्यान रखो कि हम अन्य प्रकार के जो भी है, और भी आपके चलनी हुआ भी है, आका भी होता है, जो जिनके द्वारा किया जाता है, पर एक आदमी नहीं करता, वो मशीन के द्वारा होता है। वह है ड्रिल मशीन, आपको उस सहायता करता है। वह टूल का नाम है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन का कार है भिन्न भिन्न वस्तुओं में छेदने के लिए, होल करने के लिए काम में लाया जाता है। साथ साथ बताना चाहता हूँ कि जो कोई मटेरियल हो, कोई भी हो, जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार करना हो, वहाँ पर ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि इनके द्वारा आप, अभी इसके भागों के नाम बताऊँगा, अभी कार बता रहा हूँ, बताऊँगा साथ साथ ये ड्रिल मशीन जो आपके लिए समय, मेहनत और मटेरियल खराब होने से बचता है, वह है ड्रिल मशीन, जो कि जिनके द्वारा आपके यहाँ लिखा बना हुआ है, जो कि भागों के नाम में देखिए, ये आपका फाउंडेशन प्लेट है, जिसके द्वारा ज़मीन पर टिका रहता है, बोर्ड के द्वारा टिका रहता है। ये मार्किंग टेबल है, ये चकबील है, स्लीव है, और ये हैंडल है, जो कि फीड हैंडल, जो कि नीचे गिराने के लिए। ये बेल्ट है, ये पुल्ली है, ये पुल्ली कवर है, ये मोटर है, ये सपोर्टर प्लेट है। ये देख जो देख रहे हैं, ये क्लाइंप है, क्लाइंप के द्वारा आप इसको प्लेट को आगे पीछे करते हैं। ये मार्किंग टेबल, जो चाक हो गए, पेंसिल रखने के लिए, जो आसानी के साथ काम किया जा सकता है। अभी मटेरियल नाम बताऊंगा आपको। ये जो देखे, अधिकतर देखे जो खुद रहे हैं, वो कास्ट आयरन के, जो चमकते हुए स्टील के हैं, जो काला ब्राउन है वो लोहे का है, और ये जो प्लास्टिक बने हैं ये भी है, रबड़ आदि का बना होता है। साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे कार करना है, क्यों करना है, ये देख पहले तो बताऊँगा, कार्यविधि और साधन दोनों बताऊँगा, जो कि जिनके द्वारा आप पहले तो कार करने से पहले इसको साफ कर, सुंदर करते, इस तरह से साफ करने के बाद जो कि जिनके द्वारा आप आसानी के साथ काम करेंगे, और काम का हाथ कपड़ा गंदा नहीं होगा, और पार्टों की लाइफ अच्छी रहेगा। उसके बाद अभी भागों के नाम बताए थे, एक भाग का नाम ये भी, वायर जो इसमें लगाने के बाद बिजली कनेक्शन देंगे, ये तो ऑटोमेटिक घूमेगा। घूमने के बाद जब भी हम लोहा को रख कर इस पर जो भी जाब मार्किंग होगा, जाब प्लेट होगा, जाब होगा, तो इस पर हम रखने के बाद ऐसे धीरे धीरे दबाएंगे, तो जैसे जैसे दबाएंगे, अगर नहीं पहुँचता तो ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के बाद जहाँ का आपको आवश्यकता हो, ध्यान रखें कि आप जो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, पर इसको जो भी ड्राइंग बना रहे हैं, चाहे होल कर रहे हैं, पहले आप ड्राइंग बगल में रख लें, और रखने के बाद जो भी है, अगर कन्फ्यूजन हो, डील गेज के साथ चेक कर लें होल को, और उसके बाद डील बिट लगा करने में आप बिजली चालू कर लें, धीरे धीरे दबाएंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाएगा और कार पूरा हो जाएगा। जो ही कार हो जाएगा, बंद कर देंगे। उसके बाद आपको बताऊँ सावधानियाँ सबसे बड़ी है कि आप पहले तो सफाई करना जरूरी है,
उसके बाद जो भी हम काम कर रहे हैं इसको पका देते, कहीं टूटा फूटा नहीं है, कहीं वायर कटा नहीं है, करंट नहीं आ रहा है, ये चिकना है। दूसरा है जब भी हम काम करें तो बाकायदे से सामान को ट्रे में रख लें, रखने बगल में यहाँ पर रखना है, रखने के बाद उसको जब उसी के बाद ही कार का चालू करें। साथ साथ यह ध्यान रखिए कि ड्रिल मशीन को काम करते समय सिर्फ जाप पर ध्यान देना है, आंध प्रकार दिमाग घटा उसको केंद्रित करना है और जाप को पूरा करना है। तीसरा है कि काम करने के बाद इसको पका दें, एक कवर आता है जो पूरे पार्ट को ढक दीजिए और जो लंबे समय तक लगे उन पार्टों को आयरिंग कर दें और सुरक्षा कवर रख लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू।